जनाब इफ्तखार आरिफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बेहद एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब जावेद साहब का और हमारे पुराने मेज़बान जनाब फैज मीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इस रवायत को उन्होंने कायम किया था और दानिशगाहों के मुशायरे में आपकी जो दानिशगाह है इसका मुशायरा मैं समझता हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और हर कई सालों से यहाँ हाज़िरी हो रही है और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान भर से नुमाइंदा शुरा आप बुलाते हैं मुख्तलिफ नस्लों के और मुख्तलिफ शहरों के लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। बहुत ही मेहरबानी और हसम अनवर भाई के बाद पढ़ना तो बहुत ही अपने ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ है और मैंने इनसे कहा था कि वो यूँ भी मेरे सीनियर हैं और उनके कलाम के बाद तो गालिबी अगर पढ़े तो पढ़ सकता है, हम लोग तो नहीं पढ़ सकते। कुछ शेर में इंतसाल अमर के तौर पर पेश करते। अच्छा, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अरजानी बहुत है। क्या कहने, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अरजानी बहुत है, शुगुफ्ता लफ्ज लिखे जा रहे हैं मगर लहजों में वीरानी। क्या कहने, क्या कहने, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अरजानी बहुत है, शुगुफ्ता लफ्ज लिखे जा रहे हैं मगर लहजों में वीरानी बहुत है। सुबुक जरफों के काबू में नहीं लफ्ज, सुबुक जरफों के काबू में नहीं लफ्ज मगर शौक गुलफशानी बहुत है। क्या कहने, क्या कहने, सुबुक जरफों के काबू में नहीं लफ्ज मगर शौक गुलफशानी बहुत है। मैं चाहता था कि आप सबसे शुरू में आप जिक्र करेंगे हमारे एक एयरफोर्स के एक अफसर शहीद हुए पिछले हफ्ते। मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ दें और उनको याद करें और बहुत ही मेहरबानी। और उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने तो बस वही सुना जो जो टीवी पे बयान किया गया। एक सूरह फातिहा उनके लिए पढ़ दें। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल जमानों में भी हम अहले मोहब्बत, बहुत मुश्किल जमानों में भी हम अहले मोहब्बत वफा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल जमानों में भी हम अहले मोहब्बत वफा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। कलम आलूदे नानो नमक रहता है, फिर भी कलम आलूदे नानो नमक रहता है, फिर भी जहां तक हो सके आजाद रखना चाहते हैं। क्या कहने, क्या अच्छा शेर। कलम आलूदे नानो नमक रहता है, फिर भी जहां तक हो सके आजाद रखना चाहते हैं, जहां तक हो सके। नौजवान यहां तशरीफ फरमाए। आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। दोष पर तरकश पड़ा रहने दे, पहले दिल संभाल। दोष पर तरकश पड़ा रहने दे, पहले दिल संभाल। दिल संभल जाए तो सूए सीने अहबाब देख, दिल संभल जाए तो सूए सीने अहबाब देख। सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने
एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं, हर एक सैले बला एक एक शनावर सामने है, हर एक सैले बला एक एक शनावर सामने है, किनारे हूं मगर सारा समंदर सामने है, किनारे हूं मगर क्या कहने सारा समंदर सामने है, एक आईना और इतने मस्त चेहरे और बयक वक्त, एक आईना और इतने मस्त चेहरे और बयक वक्त, बुझी जाती हैं आंखें अब वो मंजर सामने है, एक आईना और इतने मस्त चेहरे और बैक वक्त, बुझी जाती हैं आंखें अब वो मंजर सामने है, नहीं मालूम अब इस ख्वाब की ताबीर क्या हो, मैं नहीं मालूम अब इस ख्वाब की ताबीर क्या हो, मैं नरगे में हूँ और जलता हुआ घर सामने आए, आए। नहीं मालूम अब इस ख्वाब की ताबीर क्या हो, नहीं मालूम अब इस ख्वाब की ताबीर क्या हो, मैं नरगे में हूँ और जलता हुआ घर सामने है, मैं सवाले बयते मीज़ाने बेतौकीर के बाद, सवाले बयते मीज़ाने बेतौकीर के बाद, जो जेरे आस्तीन था अब वो खंजर सामने है, सवाले हुरमते मीज़ाने बेतौकीर के बाद, जो जेरे आस्तीन था अब वो खंजर सामने है, दो तीन शेर और के खजाने ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, खजाना ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, खजाना ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।